हेलो गाइज, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बजाज के अपकमिंग बाइक बजाज पल्सर RS400 के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को RS400 के A to Z सारे इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जैसे लॉन्च डेट, प्राइस, माइलेज वगैरह क्या क्या है, तो वो सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिला है, जो भी न्यू अपडेट मिला है। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको भी इस बाइक से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डिटेल्स आपको ही पता चल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बजाज अपने वैल्यू फॉर मनी बाइक के लिए जानी जाती है, मतलब बजाज ऐसी बाइक बनाती है जिसका प्राइस कम हो और फीचर ज़्यादा हो। जैसे कि आप बजाज की डोमिनार 400 को ही ले लो, डोमिनार 400 का एक्स शोरूम प्राइस 1,95,000 पड़ता है, जो कि इस प्राइस रेंज में तो मैक्सिमम 300 सीसी की बाइक भी नहीं आती है। और इस प्राइस रेंज में इतने सारे फीचर मिलते हैं कि आप किसी और ब्रांड के बाइक लेते हो तो आपको 3 लाख तक लग जाता है। मतलब सस्ते दाम में अच्छा क्वालिटी वाला बाइक बजाज अपने कस्टमर को देती है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, पल्सर RS200 अपने पावर और लुक के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं बजाज RS400 के लॉन्च होने के पीछे का कारण। तो कारण तो सिंपल सा है कि सारी बाइक कंपनी न्यू बाइक लॉन्च कर रही है, तो बजाज को भी मार्केट में रहने के लिए अपने न्यू बाइक को लॉन्च करना पड़ेगा। बजाज ने काफी लंबे टाइम से अपने कोई भी न्यू बाइक को लॉन्च नहीं किया है और ना ही कोई भी बड़ा अपग्रेड किया है अपने किसी भी बाइक में। अभी हाल ही में बजाज ने अपने पल्सर सीरीज में सिर्फ माइनर चेंज करते हुए सिर्फ कलर को ही चेंज किया और ज्यादा कुछ उसमें डिफरेंट नहीं। और डोमिनार 400 बजाज की प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है, बट अब बजाज अपने प्रीमियम सेगमेंट 400 सीसी में भी काफ़ी सारे न्यू बाइक लॉन्च करने वाली है, जिसमें से एक है बजाज पल्सर RS400। इसको बजाज ने RS400 को रेस स्पोर्ट टैग दिया है। इंडोनेशिया में ये बाइक कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बजाज इंडियन ब्रांड है, तो उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि ये बाइक इंडिया में भी लॉन्च हो सकती है। कब लॉन्च हो सकती है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बाइक आपको 2021 में अप्रैल से मई तक, मतलब 2021 के मिड में ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए दिख जाएगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि न्यू बजाज पल्सर RS400 में हमें क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, RS400 में सेम डोमिनार 400 का ही इंजन को यूज किया जाएगा, बट RS400 के इंजन की ट्यूनिंग अलग तरीके से रहेगी, जिससे आपको अच्छी पावर रेशियो देखने को मिलने वाली है। आप लोग को इस बाइक में डोमिनार 400 से ज्यादा पावर और टॉर्क भी देखने को मिलेगा। डोमिनार स्पोर्ट टूरिंग बाइक है, जिससे उसको उसी तरीके से बनाया गया है, बट पल्सर RS400 एक प्योर स्पोर्ट रेस मशीन होने वाली है, जिसमें आपको डोमिनार 400 की तुलना में RS400 में इंस्टेंट पिकअप देखने को मिलेगा। RS400 में 373.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल BS6 FI कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि 8,800 RPM पे 42 HP की पावर और 7,000 RPM पे 35 न्यूटन मीटर की टॉर्क दे देगी। स्मूथ पावर फिगर को बनाए रखने के लिए आपको RS400 में 6 स्पीड गियर बॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। आपको पल्सर RS400 में 170 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी देखने को मिल जाएगी। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस बाइक में डुअल चैनल ABS मिल जाता है। फ्रंट में 320 mm की और रियर में 230 mm की डिस्क प्लेट देखने को मिल जाती है। स्पीड को कंट्रोल के लिए बजाज पल्सर RS400 में सिंपल क्लच भी मिल जाता है। फ्रंट में USD अपसाइड डाउन फोर्क सस्पेंशन और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन को यूज किया गया है। ये बाइक पेरीमीटर फ्रेम पे बेस होने वाला है। अभी आप जो RS200 को देख रहे हैं, उसमें जिस तरीके से पूरा फेयरिंग बाइक है, सेम आपको RS400 में भी RS200 से और भी ज़्यादा फुल फेयरिंग डिज़ाइन देखने को मिलेगा। RS400 में आपको RS200 से लो सीट हाइट भी मिलेगा और RS200 से ज़्यादा कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन भी मिलेगा आपको RS400 में। बजाज ने शॉर्ट राइडर को ध्यान में रखते हुए इसके सीट हाइट को मेजर किया है। RS400 थोड़ा बल्कि और मस्कुलर होगा, मतलब थोड़ा ब्रॉड शेप में आपको देखने में लगेगा, जिससे लोगों को अट्रैक्शन इसकी ओर बना रहे। लाइटिंग स्टाइल भी थोड़ा RS200 से अच्छा होने वाला है और कुछ न्यू डिजाइन में भी इसका हेडलाइट देखने को मिल सकता है। RS400 को 2014 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था, बट इसको लॉन्च करने में बजाज ने काफी लेट कर दिया है, लेकिन अब ये 2021 में लॉन्च हो जाएगा। पहले ऐसा न्यूज निकल रहा था कि इसका नाम SS400 होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसका नाम पल्सर RS400 ही रहेगा।
RS400 में ट्विन प्रोजेक्टर LED हेडलाइट देखने को मिलेगा, जो कि पहले RS200 में हेलोजिन प्रोजेक्टर मिलता था। LED हेडलाइट के साथ ही साथ आपको दो DRL भी देखने को मिल जाएगा, फ्रंट हेडलाइट, इंडिकेटर और टेल लाइट, ये सब में आपको LED देखने को मिल जाएगा। और पूरे हेडलाइट का डिजाइन भी RS200 से थोड़ा चेंज भी होगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो फुल्ली डिजिटल कंसोल मीटर देखने को मिल जाता है, जिसमें स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, सर्विस रिमाइंडर, इंजन चेक इंडिकेटर के साथ साथ काफी सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। RS400 में इसमें आपको साइड स्टैंड अलार्म भी देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। पल्सर RS400 के व्हील्स और टायर साइज की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में 17 इंच के व्हील दिया गया है। फ्रंट टायर का साइज 110/70/R17 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर और रियर में 150/60/70 सेक्शन के काफी चौड़े ब्रॉड ट्यूबलेस टायर आपको रियर में देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में 13 लीटर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल सकता है और माइलेज की बात करें तो 28 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी ये बाइक। ये 400cc की स्पोर्ट्स बाइक है तो इसलिए इसका पिकअप हाई होगा, और जब पिकअप हाई है तो बाइक भी स्पीड चलेगी, जिससे आपको थोड़ा कम माइलेज दे सकती है ये बाइक। मतलब ये मानकर चलो कि 28 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। बजाज पल्सर RS400 के कंपटीटर की बात करें तो कंपनी TVS RR310, डोमिनार 400, BMW 310R और KTM 390 को लिस्ट में रखा है। इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये डोमिनार 400 से थोड़ी कॉस्टली होने वाली है, क्योंकि डोमिनार 400 के लुक को देखिए तो ये थोड़ा सिंपल फेयरिंग स्टाइल में है, बट RS400 में फुल बॉडी फेयरिंग है, जिससे इसका प्राइस डोमिनार 400 से थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। बजाज पल्सर RS400 का एक्सपेक्टेड प्राइस 2 लाख तक हो सकता है। बाकी तो ये लॉन्च होने के बाद पता चलेगा कि यंगस्टर को ये बाइक कितना पसंद आने वाला है। तो अगर आप फ्यूचर में 2021 में कोई पावरफुल स्पोर्ट्स बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप कुछ मंथ वेट कर लीजिए, बजाज की RS400 को ले सकते हैं, जो कि वैल्यू फॉर मनी बाइक होने वाली है। आपको न्यू बजाज पल्सर RS400 में 3-4 कलर वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है। वैसे तो अभी इसका कोई ज़्यादा लीकेज नहीं हुआ है, फोटो या वीडियोज वगैरह ज़्यादा लीक नहीं हुआ, ये सिर्फ सोर्सेस के थ्रू पता चला है, जिसके थ्रू मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो एक्सपेक्टेड जो मैंने प्राइस बताया हुआ है और जो पावर फिगर बताया हुआ है वो एक्चुअल से थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है और ये एक्सपर्ट का मानना है कि ये सारा फंक्शन आपको इस बाइक में मिल सकता है। और जो ओरिजिनल है वो कंपनी इतनी जल्दी लीक नहीं करती है, तो जब बाइक लॉन्च होगा तो वो मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, बजाज पल्सर RS400 यंगस्टर के दिलों पे राज कर सकती है, मतलब यंगस्टर को पसंद आने वाली है या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का ID आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जो न्यू सब्सक्राइबर है वो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाइक रिलेटेड कंटेंट वाले वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।